कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता के मुद्दे पर सीबीआई जांच कर रही है और दिल्ली हाई कोर्ट को बुधवार को ये जानकारी दी गई। अदालत को बताया गया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी इस मामले पर जनहित याचिका दाखिल है जिस पर सुनवाई चल रही है। इसी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता की सीबीआई जांच शुरू की गई है। इस पर अदालत ने कहा कि वह नहीं चाहती कि कोई विरोधाभासी आदेश पारित किया जाए। एक ही मसले पर दो समांतर याचिकाओं पर सुनवाई नहीं हो सकती है। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता विघ्नेश शिशिर से इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसी मामले में चल रही सुनवाई से जुड़ी रिपोर्ट को भी कोर्ट में पेश करने को कहा। अब दिल्ली हाई कोर्ट में इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 6 दिसंबर को होगी। सुनवाई के दौरान मामले में याचिकाकर्ता विघ्नेश शिशिर ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई एडवांस स्टेज पर है, सीबीआई मामले की जांच कर रही है। विदेश मंत्रालय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में सील कवर रिपोर्ट दाखिल किया है। सुनवाई के दौरान बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से कहा गया, हमारी याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल याचिका से बिल्कुल अलग है। अभी सीबीआई जांच का कोई आदेश नहीं हुआ है। 29 अप्रैल 2019 को उन्होंने गृह मंत्रालय को पत्र लिखा था लेकिन उसका भी कोई जवाब नहीं मिला। सुब्रमण्यम स्वामी ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर राहुल गांधी की नागरिकता के बारे में जानकारी मांगी थी और गृह मंत्रालय से पूछा था कि उनकी ओर से इस पूरे मामले में क्या कदम उठाया। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, हमने 2019 में सरकार को इस बारे में पत्र लिखा था लेकिन बीते 5 साल में सरकार की तरफ से इस पूरे मामले ने अब तक कोई कदम नहीं उठाया है। कर्नाटक के एक भाजपा कार्यकर्ता ने कहा, उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गदेला की पीठ ने कहा कि वे नहीं चाहते कि कोई परस्पर विरोधी आदेश पारित किया जाए। पीठ ने एस विनेश शिशिर को इलाहाबाद हाईकोर्ट में उनकी जनहित याचिका के बाद प्रासंगिक घटनाक्रम पर एक हल्फनामा दायर करने की अनुमति देते हुए कहा, कार्रवाई के एक ही कारण पर दो समांतर याचिकाएं नहीं हो सकती। दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष मामला भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर था जिन्होंने राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग करने वाले उनके प्रतिनिधित्व पर निर्णय लेने के लिए गृह मंत्रालय को निर्देश देने की मांग की थी। स्वामी ने अपनी याचिका में लोकसभा में विपक्ष के नेता गांधी के खिलाफ उनके द्वारा दायर अभ्यावेदन पर स्थिति रिपोर्ट पेश करने के लिए गृह मंत्रालय को निर्देश देने की भी मांग की। वहीं स्वामी ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष मामले का उनके मामले से कोई लेना देना नहीं है और प्रार्थनाएं पूरी तरह से अलग थी। शिशिर ने दावा किया कि स्वामी की याचिका के कारण बहुलता और समांतर कार्रवाई हुई। अदालत ने शिशिर को उसके समक्ष याचिका में पक्षकार बनने के लिए आवेदन दायर करने को कहा और मामले को 6 दिसंबर के लिए सूचीबद्ध कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 29 अप्रैल 2019 को राहुल गांधी को पत्र लिखकर कहा था कि इस संबंध में 2 हफ्ते के अंदर स्पष्टीकरण दें लेकिन 5 वर्ष से ज्यादा का समय बीतने के बावजूद कोई स्पष्टता नहीं है। ऐसे में कोर्ट गृह मंत्रालय को इस संबंध में फैसला लेने का दिशा निर्देश जारी करे। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज़।